हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीयूष राणा को जहाँ अकाउंट्स इन एस एस एन सिंपलेस पे पीछे देख के पता चल गया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 3 ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का द टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कौन सा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बराबर हम लोग चेंज कर चुके हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना पूरा खत्म हो गया है तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट वाइल सीइंग द प्लेलिस्ट। ओके, इवन इफ यू आर रिकमेंडिंग समवन गो इन द प्लेलिस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एस वाई बी कॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, सम नंबर 4 द फॉर्म ऑफ रिच पर्सन प्रेजेंट्स यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट ड्रॉन एज ऑन दैट डे। देखो नाम क्या है, रिच पर्सन, लेकिन धंधा बंद हो गया। ओके, नाम के एग्जैक्टली ऑपोजिट ही मिलेगा इंसान, नोट करना कभी भी कहीं भी देखना। ओके, जिसका नाम है राजा वो टन, क्रेडिटर्स 37,000, कैपिटल ए बी एन सी 40, 30, 27, कैश ऑन हैंड 3,000, डेटर्स 34,000, स्टॉक 39,000, प्लांट एंड मशीनरी 51,000, करंट अकाउंट डेबिट साइड पे असेट साइड पे यानी इतना पैसा पार्टनर्स के पास से आना बाकी है राइट 4,000 बी से एंड 3,000 सी से। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर वॉज 4:3:3। द फॉर्म वॉज डिसॉल्व, अब मे बी आराम से उन लोगों ने खुद होके डिसॉल्व किया होगा मर्जी से, कैपिटल भी अच्छा खासा है, कैश भी है उनके पास राइट, दे आर नॉट इन लॉस। मे 2015 15,000 फ्रॉम डेटर्स एंड 20,000 फ्रॉम स्टॉक, तो 15 + 20 = 35, एक्सपेंसिस अमाउंटेड टू 500 यानी उनके हाथ में कितना आएगा 34,500। तो पेंसिल से लिख लेना वहीं पे कि इतना ही मुझे पैसा लेना है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट कांट हेल्प, ये होते रहेगा रहा? हम लोग हमारी पढ़ाई रोक नहीं सकते रहा? और मैं एडिट कर नहीं पाता, वैसे अपने अनएडिटेड वीडियोस होते हैं ये सबको पता है ना? क्यों करना एडिट, हाँ वो परसों वाले वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एडिट करना पड़ा मतलब कि कट करना पड़ा, थोड़ा लैंग्वेज मेरा बदल गया था इसके लिए। देन जून 2015 बैलेंस ऑफ डेटर्स रियलाइज 30,000 एंड स्टॉक फेच 24,000, तो 30 + 20 = 10 + 24 डायरेक्ट दिमाग में बोल दिया। ऑगस्ट 15 पार्ट ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000 एंड एक्सपेंसिस 600 यानी हाथ में कितना आया 17,400 बराबर है। सितंबर 2015 पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स एट 5,000 वाज टेकन बाय ए इन द पार्ट डिस्चार्ज एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10,000। अब 5 की चीज वो 10 में ले रहा है ठीक है, उतना चाहिए ही नहीं लफड़ा, यू हैव टू एज्यूम के 10,000 में बेचा, क्लियर। अब तेरे को तू लेके भागेगा तो ऐसा थोड़ी होगा, नहीं बंद किया ना फर्म तो सबको इक्वली उनके रेशियो में ही मिलना चाहिए। अब ये रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट अ मिनट सम पढ़ के खत्म कर देते हैं। बैलेंस ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 30,000 यानी कि 10,000 प्लस 30,000 टोटल कितना आएगा उस वक्त उस महीने में सितंबर में 40, लेकिन पार्टनर्स डिसाइडेड टू कीप मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,000 रखना ही है बाजू में इमरजेंसी केस में इन फर्स्ट 3 मंथ्स यानी कि मई जून एंड जुलाई, आपको 2,000 बाजू में रखना है। बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में कैश कितना बता रहा है 3,000 बराबर, कहां गया एक पे पीछे 3,000। अब 3,000 में से 2,000 यू बी कीपिंग असाइड यानी आपके पास है कितना 1,000 ही है। इसके लिए यहां पे देखोगे तो मैंने बैलेंस में कैश में कितना लिखा है 1,000, पहले मुझसे भी गलती हो गई थी लेकिन बाद में पढ़ा, एंड देन 1,000 देयर आफ्टर यानी कि ऑगस्ट से 1,000 ही रखना है। कब तक, सितंबर तक, सितंबर में खत्म हो गया पैकअप, तो जो हजार है वो भी हम लोग ऐड बैक कर देंगे। लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड व्हाट एक्सेस कैपिटल, तो अंडरस्टैंड द एक्सेस कैपिटल कैलकुलेशन। पार्टनर्स आर ए बी एंड सी, कैपिटल 40, 30, 27, बोर्ड तो विजिबल है ही बराबर। करंट अकाउंट माइनस कर देंगे 4,000 and 3,000, तो एडजस्टेड कैपिटल 40, 26, 24। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 बराबर, तो डिवाइड कर देंगे आई विल गेट माय यूनिट कैपिटल 10,000, 8,667 and 8,000। इन तीनों में से आप किसको सिलेक्ट करोगे, 8, व्हाई, बिकॉज दैट इज द मिनिमम ऑब्जेक्टिव मे बी आस्क्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग यूनिट कैपिटल या व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल, डैश कैपिटल इज कंसिडर्ड एज बेस, मिनिमम कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल या पार्टनर विद मिनिमम कैपिटल, पार्टनर विद मैक्सिमम कैपिटल, पार्टनर विद एवरेज कैपिटल या पार्टनर विद करंट अकाउंट, आंसर क्या होगा द पार्टनर विद मिनिमम कैपिटल, क्लियर। यू शुड बी अलर्ट इनाफ व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन एंड व्हाइल सॉल्विंग सो दैट यू रिमेंबर थिंग्स।
तो 8000 इंटू 4 32, 8000 इंटू 3 24, 8000 इंटू 3 24, ओके, सो 40 माइनस 32 व्हाट रिमेंस इज 8, 26 माइनस 24 व्हाट रिमेंस इज 2, 24 माइनस 24 11, ओके, अगेन डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, सो 8000 डिवाइड बाय 4 2, 2000 डिवाइड बाय 3 667, होम आई विल टेक एज 667 इंटू 3 तो वापस 2000 इंटू 4 2667, राइट, सो 8000 माइनस 2667 व्हाट रिमेंस इज एक्सेस कैपिटल, द अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल किसका, ए का 5333, क्लियर। अब जब मैं पेमेंट करूंगा तो बैलेंस शीट में मुझे क्रेडिटर दिया हुआ है, मुझे एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, नहीं दिए, सिर्फ क्रेडिटर दिया है, एक्सपेंसेस में यहाँ पे दिए नहीं, जिक्र किया ही नहीं है, राइट, पे टू क्रेडिटर्स जितना भी उनका अमाउंट है वो बराबर, मुझे पता नहीं फिलहाल कितना है, पे टू ए हाउ मच 5333, पे टू ए एंड बी हाउ मच बराबर इसके ऊपर वाला 4667, एंड और अगर कुछ पैसा बचता है तो सबको देंगे भाई, लोग दिवाली करेंगे बराबर। अब बैलेंस मेरे पास कैश 1000 कैसे आया मैंने बोल दिया, पता चला आप लोग को, क्रेडिटर्स को 36, इसको 40, इसका 26 एंड इसका 24, करेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पे टू क्रेडिटर्स, सो 1000 आई एम हैविंग आई विल पे टू क्रेडिटर्स, व्हाट रिमेंस इज nil 36000, आई हैव नॉट टच देम बराबर, तो इनको ऐसे ही रखो, डिड नॉट डिस्टर्ब देम करंटली, whenever you pay the external liabilities only then touch them, that will be beneficial. First realization कब हुआ है, May में, how much? 34500, बराबर, पूरा 34500 I will be paying to creditors, बराबर, printing mistake, 34500, 10 कब, okay, so what will be the balance remaining with me, cash में, कुछ नहीं, 36 minus 34500, what remains is 1500, yes, then second realization which is in June, 34,000 how, for 24 plus 10 जो भी था, I guess 10,000 and 24,000, right, so 34 I should pay to creditors, how much, 1500, because they are external and I have to pay them, बराबर, तो pay करना ही पड़ेगा उनको, करके free कर दो भाई, टाटा बाय बाय, जा घर पे, तू तेरे घर मैं मेरे घर, अब हमारी बारी कबड्डी खेलेंगे, तो कबड्डी खेलने के लिए सबसे पहले यू हैव टू पे A, how much? 5333. I will pay to A, 5333. Then A and B, 4667. Pay to A and B, 4667. Ab, iska total 10,000 aa raha. So 32 minus 10, 22,500 bachega. Barabar, 5333 I have paid, 2667 I have paid, and 2000 I have paid. So 40 minus 8000, 32 remains, 26 minus 2. 24 remains and 24 I have not touched him yet. अब सर मैं सही हूं या गलत हूं कैसे पता चले, बराबर, तो 8 4s 8 3s 8 3s 4 is to 3 is to 3, I have always said that the capital amount which is remaining will always be in the profit sharing ratio, yes, then my next realization is 22500, बराबर, I don't think ये उसमें कुछ खर्चा था, था क्या, नहीं, बराबर, तो नहीं, बैलेंस बचा 2200, वो सबको दे दिया, 9 6750 6750, सो बैलेंस nil 23 17250 17250. थर्ड रियलाइजेशन 17400, कैसे, तो 18000 का माल बेचा था और 600 रुपया मेरा खर्चा था, राइट, तो दैट प्लस आई एम इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ना, मई जून एंड जुलाई, दे सेड के 2000 रखना है, अब उस 2000 में से 1000 उठा सकता हूं, that means my total balance will be 18,400, I will be paying to all 7360-5520-5520, so what remains is 15,640, 11,730 and 11,730, only then I will move to the last installment, last installment is how much again, 10 plus 30 that is 40 and 1000 jo bank mein pada hua hai, usko bhi lene diya, so 41,000, pay to all 16,400, 12,300, 12,300, now against 15,640, I'm paying how much, 16,400, ज़्यादा दिया, ज़्यादा दिया मैंने प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट, बराबर, 760, 570 and 570, so that profit is nothing but my surplus, clear, I hope the solution was clear, see, solving part is same and same, that's the reason I have already solved, I'm just explaining you कि ये अमाउंट कैसे आए, but I hope कि comfortable जा रहा है, yes, so take care, solve it,
एज मच एज पॉसिबल, कीप इन योर ब्रेन्स एग्जैक्टली क्या करना है, सो दैट यू कैन आंसर योर एमसीक्यूज़। या बाय।